हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा प्रदेश भर में नशे से जुड़े लोगों पर जहां बुलडोजर कार्रवाई कर उनकी अवैध संपत्तियों को दाया जा रहा है, वहीं एनसीबी द्वारा अब प्रदेश में नशे के खिलाफ आम लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। इसी के संबंध में ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम व पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक वर्मा की साइकिल यात्रा रादौर पहुँची, जहाँ शहर के गणमान्य लोगों ने उनका फूल माला डालकर स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर अशोक वर्मा ने लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया। हमारे हरियाणा का नारा है, देशता में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। और ये नारा अब बहुत पुराना लग रहा है और इस नारे का जो भावार था वो भी समाप्त हो गया। कारण ये है कि आज हमारे युवा, हरियाणा के युवा जो दूध दही खाया करते थे, जो अति बलवान हुआ करते थे, आज कुछ बहुत अधिक युवा हमारे जो है नशे की चपेट में आ गए और नशा भी वो ड्रग्स का लेने लगे हैं। अब सरकार को हरियाणा को नशे से बचाने के लिए 2.5 साल पहले हरियाणा सरकार ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन कर दिया, एमसीबी हरियाणा। एमसीबी हरियाणा में हरियाणा पुलिस के 400 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो सब मिलकर के हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए दो प्रकार से काम कर रहे हैं। पहला जो हमारा काम है, हम हरियाणा में नशा तस्करों की कमर तोड़ के उन्हें सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 3 महीनों में हरियाणा में जिन लोगों ने नशा तस्करी करके धन कमाया था, संपत्तियां बनाई थी, भवन बनाए थे, महल बनाए थे, कोठियां बनाई थी, गाड़ियां खरीदी थी, सबसे पहले हरियाणा पुलिस ने, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा एनसीबी हरियाणा ने उनके जो संपत्तियां थी उनको बुलडोजर चला कर उनको ध्वस्त किया है। उसके पश्चात संपत्तियों को जब्त किया गया है और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। पहला काम तो हम ये कर रहे हैं और इसके अलावा दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी जेलें भरें। इससे पहले हम प्रत्येक व्यक्ति तक हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है। पोस्त भांग अफीम का नशा करता है जीवन की दुर्दशा, जो खाते हैं नशे की गोलियां वो सहते हैं जग की बोलियां। हम सबकी एक ही मांग, बंद करो भुक्की और भांग। हम सभी ने ठाना है भारत को नशा मुक्त बनाना है और हम सभी ने ठाना है नशे के व्यापारियों को पकड़कर उनकी कमर तोड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाना है। इस प्रकार से हम प्रत्येक व्यक्ति को सचेत भी करना चाहते हैं कि अभी समय है, समझ जाओ, अन्यथा हरियाणा में अब एनसीबी आ चुकी है। जिस दिन भी एनसीबी की पकड़ में कोई बंदा आ गया, नशा तस्कर आ गया, अब उसको बचाने वाला नहीं होगा।